गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। बेटा फटाफट पढ़ो, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद शुरू करेंगे रिवीजन। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए, जिसमें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर चैप्टर में से उठाना है और पढ़ना है। तो जल्दी से डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज की क्लास में डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कलर ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, मतलब व्हाई दे शो कलर। सो सेकंड प्रॉपर्टी, हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आज हम पढ़ेंगे कलर फॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कलर फॉर्मेशन COLORED भी लिखते हैं, कलर्ड की स्पेलिंग COLURED भी लिखते हैं, मैं सिर्फ कलर फॉर्मेशन लिखूंगा। I will write color formation by transition elements। तो देखो बेटा, आप लोगों ने ये question बहुत frequently आता है, it is highly important, इस चीज को बिल्कुल भी exam में छोड़ के मत जाना। Question आता है why D block elements या why transition elements show color? ये लोग color क्यों शो करते हैं, वाई दीज एलिमेंट शो कलर। इनफैक्ट ये जब अपने नेटिव फॉर्म में होते हैं तब भी कलर्ड होते हैं। आप देखो ये गोल्ड जो मैंने अंगूठी पहन रखी है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं कि मैंने अंगूठी पहन रखी है गोल्ड की, बट आप इस गोल्ड को देखो, दिस इज प्योर येलो इन कलर, बढ़िया शाइन कर रहा है। ये देखो ये येलो कलर की अंगूठी है, क्यों येलो कलर शो कर रही है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। सिमिलरली कुछ टाइम पहले मैंने एक सिल्वर की रिंग भी पहन रखी थी इस उंगली में, सिल्वर भी एक अच्छा शाइनी कलर देता है। मतलब आप देखो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर आपके घर में लाइट आती है, अगर आपके घरों में बिजली है, जिस तरीके से हमारे टूथपेस्ट में नमक होता है ठीक उसी तरह आपके घरों में बिजली होगी, बिजली आती है तार से, तार में होता है कॉपर, कॉपर होता है कॉपर तांबे का कलर, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का कुछ होता है। तो आप देखो हर ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कलर होता है। इनफैक्ट इनके अलावा अगर आप इनके कंपाउंड्स को देखोगे तो इनके कंपाउंड्स भी कलर्ड होते हैं, जैसे ब्लू वाइट्रॉल CuSO4.5H2O ब्लू वाइट्रॉल कलर्ड होता है। तो जिस तरीके से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होते हैं, इनके कंपाउंड्स भी आपको मेजरली कलर्ड ही मिलते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करता है। आप लोगों ने कभी ऐसा तो नहीं बोला कि सर सोडियम कलर शो करता है, सोडियम तो कलरलेस होता है, वाइट कलर होता है यूजुअली, पोटेशियम के कंपाउंड्स भी कलरलेस होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपाउंड ही कलर्ड क्यों होते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KaMnO4 वायलेट कलर का होता है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, दे ऑल आर कलर्ड। तो क्यों कलर्ड होते हैं, आज हम लोग इस चीज को सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैंने एक्चुअली पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई है। तो गाइज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाकर जरूर देखो, क्योंकि उसी के बेसिस पर यह चीज समझ में आएगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हमारे ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैव डी ऑर्बिटल। और डी को कैसे लिखते हैं हम, N-1d ऑर्बिटल। और जब कभी भी ये d ऑर्बिटल के पास में कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, हम लोग सब जानते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं वो सब्सटेंसेस, वो स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था लिगेंड OH भी होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन C2O4 आपका S नेगेटिव CNS NSC CN NC OH CS बहुत सारे लिगेंड, इनफैक्ट सभी लिगेंड होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो जब ये लिगेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट के पास आते हैं, हम लोग सब जानते हैं इनका जो d ऑर्बिटल होता है, ये इनका जो N-1d ऑर्बिटल जो होता है ये स्प्लिट कर जाता है कुछ इस तरीके से। अभी मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये स्प्लिट करता है इस तरीके से, नीचे वाले को बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं EG, T2G एंड EG।
ईजी का फुल फॉर्म होता है इवनली डीजेनरेटेड, मतलब कि ये दोनों ऑर्बिटल हमेशा एक साथ डीजेनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा एक्सियल होते हैं। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जाकर देखो, बहुत शानदार समझा रखी है। और अगर पढ़ रखा है तो ये बात आपके फिंगर टिप्स पर होगी। और जो ईजी होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपली डीजेनरेटेड। नाउ ट्रिपली डीजेनरेटेड में आपको मिलेगा पीएक्स डीएक्सवाई, मैं लिख भी दूंगा, क्योंकि ये सब नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल मतलब ये एक्सिस के ऊपर नहीं होते। इसमें आपको कौन कौन मिलेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखो तीन डब्बे तीन नाम, यहाँ यहाँ कौन मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो डब्बे रहते हैं। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जब कभी भी आपके इस ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड आता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, टी टू जी एंड ई जी। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के इस डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। और एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद इसका जो टी टू जी में मौजूद इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से जंप करके EG में चला जाएगा। T2G से कहां चला जाएगा, EG में चला जाएगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और इसी के बाद यहां से आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंटरी कलर दिखाई देगा। यू विल ऑब्जर्व अ कॉम्प्लीमेंटरी कलर। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करता है, क्योंकि उसके अंदर डी डी ट्रांजिशन होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डी डी ट्रांजिशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, हमेशा कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड, पेयर्ड कभी नहीं करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जम कर जाएगा, इसलिए आपको कलर दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्या सिस्टम होता है, देखो हम लोग सब जानते हैं कि जब आप एक प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करते हो तो वो सात अलग अलग कलर में डिविएट हो जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसे आपको विबग्योर आपको मिलेगा, सात अलग अलग कलर मिलेंगे। अब जब ये सात कलर मिक्स होते हैं तो आपको व्हाइट कलर मिलता है, जब ये सात कलर मिक्स होंगे तभी आपको व्हाइट कलर मिलेगा। अब मान लीजिए आपके ट्रांजिशन कंपाउंड से हम लोग एक व्हाइट कलर की लाइट को पास कर रहे हैं। अब आप लोग सब जानते हो व्हाइट कलर की लाइट इन सात कलर से मिक्स होकर बनी है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोगों ने कंपाउंड भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है हमारा टाइटेनियम, ये टाइटेनियम का कोई कंपाउंड है, और टाइटेनियम ने क्या करा, टाइटेनियम ने ब्लू कलर की लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, टाइटेनियम ने ब्लू कलर की लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। ब्लू कलर की लाइट को अब्सॉर्ब करा मतलब हम लोग सब जानते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 490 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक, ये इसकी रेंज होती है। तो ये जो नैनोमीटर्स में जो वैल्यू दे रखी है, आप इसको इज इक्वल टू एचसी बाय लेमडा से आप इसको बड़े आराम से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेमडा यानी कि वेवलेंथ, सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, एन एच यानी कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो आप बड़े आराम से लेमडा से एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब ये जो लाइट है ये अपने आप में एनर्जी का सोर्स है, ये लाइट क्या है, अपने आप में एनर्जी का सोर्स है। तो जैसे ये व्हाइट लाइट अंदर गई, टाइटेनियम के कंपाउंड ने ब्लू कलर की लाइट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली। क्या करेगा वो ब्लू कलर की लाइट का, या वो ब्लू कलर की एनर्जी का क्या करेगा, वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को टी टू जी से एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पर भेजेगा, यहां पर उसे भेज देगा। अब क्या होगा, एनर्जी एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन वहां जंप करके चला गया।
अब जब यहां से लाइट बाहर निकल रही है तो उसमें सारी लाइट होगी सिवाय ब्लू के, सारी लाइट होगी सिवाय ब्लू के। तो अब जो बाहर रोशनी निकलेगी, अब जो बाहर रोशनी निकलेगी क्या वो रोशनी व्हाइट कलर की होगी? जी नहीं, वो व्हाइट कलर की नहीं होगी, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट होगी, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट होगी। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट होगी? क्योंकि अब आपकी व्हाइट लाइट में से ब्लू का नामो निशान मिट चुका है, वो इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। क्या ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा एमिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है रीजन आपके सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर शो करने का, ठीक है? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये चीज रब करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद नहीं होता। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करने का कोई खास सिस्टम नहीं है, बट मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं। वॉयलेट और इंडिगो एक ही है, तो वॉयलेट मत लिखो, वॉयलेट इंडिगो छोड़ दो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, आप ऐसे बराबर छह पोर्शन बना लो। वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है। तो अगर मान लीजिए कोई ब्लू कलर की लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो ऑरेंज या ऑरेंज के आसपास वाली लाइट, ऑरेंज रेड ऑरेंज येलो, इस तरीके की लाइट आपको एमिट करता हुआ नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। तो बस इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। तो गाइज, इस चीज को आराम से नोट कर लो, मैं एक बार वापस से आपको इसको रिवाइज कर लेते हैं। और सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई भी पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहली बात, उनके अंदर N-1 d ऑर्बिटल होता है जो लिगेंड्स की वजह से स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, T2g एंड Eg में। जब कभी भी ये कंपाउंड्स जब कलर को अब्सॉर्ब करते हैं, जब ये व्हाइट कलर की लाइट इनके ऊपर गिरती है, जो हमेशा गिरती रहती है, सन हो या आपके घर में जो लाइट्स हो, जब उस पर ये व्हाइट कलर की लाइट गिरती है, तो उसमें से ये अपने डिजायरेबल कलर की लाइट को, यानी ब्लू वॉयलेट इंडिगो जो भी है, वो अपने डिजायरेबल कलर की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन को T2g से Eg में भेज देते हैं। और जब वो Eg से T2g में वापस आता है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को रिलीज करता है, एंड दैट इज द रीजन हमें क्यों ये कलर दिखते हैं। तो क्या यहाँ तक हमें चीज क्लियर हो गई? तो गाइज, यहाँ पर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। नाउ अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू गाइज़।